जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ धनु राशि का कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। अभी तक हमने बताया है मेष से लेके वृश्चिक तक कैसा रहेगा इन राशियों का अप्रैल का महीना। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वीडियोस को देख सकते हैं। धनु राशि का कैसा रहेगा अप्रैल का महीना? क्या नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलेगी? पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्या इस महीने पढ़ाई में मन लगेगा? स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां चल रही हैं, क्या अप्रैल के महीने में ठीक हो जाएंगी? नौकरी और व्यापार में किस प्रकार से रहेगा मेरा अप्रैल का महीना? व्यापार में हानि हो रही है, क्या अप्रैल के महीने में लाभ मिलेगा? मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, क्या अप्रैल में मिलेगा? मैं नौकरी के लिए बहुत परेशान हूँ, क्या अप्रैल के महीने में मुझे नौकरी मिलेगी? धन की और आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी? ये सभी प्रश्न आपके मन में जरूर उठते होंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ कि अप्रैल का महीना आपके लिए किस प्रकार से रहेगा। तो मित्रों, आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र और अपने धर्म से संबंधित सभी वीडियोज देखने को मिलें और आप उनसे लाभ उठा सकें। धनुराशि, धनुराशि के स्वामी है गुरु बृहस्पति। सबसे पहले हम गोचर स्थिति जान लेते हैं कि आपकी गोचर स्थिति किस प्रकार से है, क्योंकि कभी कोई दिन बहुत अच्छा जाता है, कोई महीना बहुत अच्छा जाता है, कोई वर्ष हमारे लिए बहुत ही लकी हो जाता है, कोई महीना हमारे लिए बहुत ही खराब हो जाता है, किसी दिन हमें बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गोचर स्थिति में जो ग्रह इस समय ब्रह्मांड में मूव कर रहे हैं उनके अनुसार हमें अच्छा बुरा फल मिलता है। तो यदि आपकी धनुराशि है, आपके नाम से धनुराशि है या आपका धनु लग्न है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो जानते हैं आपकी गोचर स्थिति किस प्रकार से है। धनु लग्न वालों के सेकेंड हाउस में मंगल शनि गोचर कर रहे हैं, गुरु शुक्र आपके तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं, सूर्य बुध चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब गोचर स्थिति किस प्रकार से आपको फल देगी, तो सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य आपका किस प्रकार से रहेगा। तो धनु राशि वालों का अप्रैल का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको इस महीने स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं रहेगी। यहाँ तक कि जो परेशानी आपको अब तक चल रही थी, स्वास्थ्य को लेकर आप अब तक परेशान चल रहे थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हो रही थी, तो अप्रैल के महीने में आपकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाएगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका अप्रैल का महीना अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना? तो जन्म पत्री के पंचम भाव से देखते हैं कि विद्या किस प्रकार से रहेगी। यहाँ आपके पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल। आपकी विद्या के क्षेत्र में आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा। अप्रैल के महीने में आपका मन पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा। पढ़ाई आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा अपने ऊपर कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे अब लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कितनी बार लर्न करूँ, कितनी बार रिवाइज करूँ। यहाँ तक कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपने फ्रेंड्स को हेल्प करना शुरू कर देंगे कि मुझे तो सब कुछ आता है, आप ऐसे ऐसे कर लो, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और इस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपके मित्र आपसे आगे निकल जाएंगे और आपको बाद में परेशानी आएगी। तो ओवर कॉन्फिडेंट ना होइए, अपनी शिक्षा पर पूरा फोकस करें, मन लगाकर पढ़ाई करें। हमेशा सब कुछ सबको याद नहीं रहता है, इसलिए कोई बात नहीं, आप रिवाइज ज़रूर करें। लव रिलेशनशिप आपकी किस प्रकार से रहने वाली है? तो लव रिलेशनशिप आपकी अप्रैल के महीने में 8 तारीख के बाद आप दोनों के बीच में कुछ छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होगा, छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होगा। आपका ये महीना पूरा रूठने मनाने में ही निकल जाएगा। ऐसा ना करें, एक दूसरे को समझ कर चलें, क्योंकि नोकझोंक से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका समय ही खराब होगा। एक दूसरे को समझ कर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप एक दूसरे पर शक करना, एक दूसरे पर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो अप्रैल का महीना आपका नोकझोंक में ही व्यतीत हो जाएगा। वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है अप्रैल के महीने में? तो वैवाहिक जीवन आपका अप्रैल के महीने में बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप एक दूसरे को समझकर चलेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, यहाँ तक कि आप एक दूसरे को कैरियर में भी सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे के सपोर्ट से आप तरक्की भी करेंगे। आपके पार्टनर को प्रमोशन के भी पूरे पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आप दोनों मिलकर यात्रा भी डिसाइड करेंगे, धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है, घूमने फिरने का योग भी आपका इस महीने बन रहा है। तो वैवाहिक जोड़ों के लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है।
नौकरी और व्यापार की दृष्टि से किस प्रकार से रहेगा अप्रैल का महीना? तो नौकरी और व्यापार की दृष्टि से 14 तारीख के बाद से आपका समय बहुत अच्छा चलेगा। अब तक आपको नौकरी में और व्यापार में बहुत सारी परेशानी आ रही थी क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही थी, तो अब आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी समाप्त होने वाली है, अप्रैल के महीने में समाप्त हो जाएगी और आप जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वे सब पूर्ण होंगे। आपका प्रमोशन रुका हुआ था, बहुत समय से आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, तो अप्रैल के महीने में प्रमोशन का योग बन रहा है। व्यापारी लोग मेहनत बहुत कर रहे थे तब भी लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था, तो 15 तारीख के बाद से आपको व्यापार में लाभ मिलेगा। भाग्य यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से साथ देगा, प्रमोशन मिलेगी, लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि जो लोग नौकरी को लेकर अभी तक बहुत परेशान चल रहे थे, बहुत कोशिश करने के बाद भी नौकरी हाथ नहीं लग रही थी, तो 15 तारीख के बाद आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। आप दोबारा कोशिश करिए, मेहनत करिए, नौकरी आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आपका भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे रहा है। यदि आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो बहुत बढ़िया समय है अप्रैल का इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इन्वेस्ट करिए। यहाँ आपको अपने पिता का सपोर्ट भी मिलेगा और आप पिता के साथ सलाह मशवरा ज़रूर करिए इन्वेस्ट करने से पहले, वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। धन की और आर्थिक स्थिति अप्रैल के महीने में आपकी किस प्रकार से रहने वाली है? तो भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे रहा है, व्यापार आपका बहुत अच्छे से चलेगा, नौकरी में आपको प्रमोशन मिल रहे हैं, आपके सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे, तो धन की और आर्थिक स्थिति अप्रैल के महीने में आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। सेविंग्स भी होगी, आप इस महीने सेविंग्स भी करेंगे और साथ ही साथ घूमने फिरने का योग भी बन रहा है। धार्मिक यात्राएं भी आप इस महीने ज़रूर करेंगे। जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह में बाधा आ रही थी, विवाह को लेकर परिवार में बहुत ही मायूसी का माहौल था कि इतनी कोशिशों के बाद भी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चा देखने में भी सुंदर है, नौकरी भी उसकी बहुत अच्छी है, उसके बाद भी विवाह का योग क्यों नहीं बन पा रहा है, तो अप्रैल के महीने में आपके बच्चे का विवाह का योग बन रहा है, बहुत अच्छे परिवार से आपका रिश्ता जुड़ने वाला है। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि धनु राशि के लिए किस प्रकार से रहेगा अप्रैल का महीना। अब अप्रैल के महीने में हमें उपाय क्या करने चाहिए? तो अप्रैल के महीने में आपको गाय को पालक जरूर खिलाना चाहिए, 1.25 किलो पालक लें और रोज गाय को खिलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको रोज करना चाहिए, इससे आपका लग्न मजबूत होगा और आपका भाग्य जो आपको सपोर्ट कर रहा है आपको तरक्की जरूर मिलेगी। सूर्य को जल जरूर दें, रोज सुबह 8 बजे से पहले एक तांबे के बर्तन में जल, रोली, चावल, चीनी डालकर ओम सूर्याय नमः बोलते हुए आप जल दें, उसके बाद आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। यह उपाय करने से आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और आप जो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं अप्रैल के महीने में मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि धनु राशि का कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। हमारा कल का वीडियो होगा मकर राशि पे कि मकर राशि का कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फाइनेंशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं, डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत यूजफुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।